हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 2016 के कुछ रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये रियल क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस की मदद से आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में। हालांकि ये क्वेश्चंस एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम के हैं 2016 के, लेकिन एट द सेम टाइम ये सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए हाईली यूजफुल रहेंगे, जैसे सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस और दूसरे सभी एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो क्लास में कुछ सिनोनिम्स मैंने लिए हैं, कुछ एंटोनिम्स लिए हैं और कुछ इडियम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला वर्ड जो है वो है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब क्या होता है? संकोच करना, ठीक है। इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है हेजिटेशन। तो यहां पर आपको इसका सिनोनिम बताना है, सिनोनिम या सिमिलर वर्ड, ठीक है, हेजिटेट का। तो अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शंस में हमें क्या मिले हैं। सॉल्व है, डिटरमिन है, पॉज है एंड सेटल है। देखिए, रिजॉल्व का मतलब होता है किसी चीज को सॉल्व करना, ठीक है। डिटरमिन का मतलब होता है किसी चीज को निर्धारित करना, और इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है डिटर्मिनेशन, जिसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय। पॉज का मतलब होता है रुकना, सेटल का मतलब होता है किसी चीज को सेटल कर देना ताकि उसमें कोई डिस्प्यूट ना रहे। तो हेजिटेट का मतलब संकोच करना, और पॉज का मतलब भी जब आप रुकते हैं या संकोच करते हैं तब आप पॉज हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तो हेजिटेट का सिनोनिम यहां पर जो होगा वो होगा पॉज, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को आपको करना होता है। दूसरा वर्ड देखते हैं, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब क्या है? यदि आप कॉन्सियस हैं, इसका मतलब आप अवेयर हैं, आप जागरूक हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो अनकॉन्सियस हो गया है। तो कॉन्सियसनेस का मतलब होता है कि आप अवेयर हैं। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शंस में है विजन, अंडरस्टैंडिंग, नथिंगनेस एंड अवेयरनेस। तो अवेयरनेस जो होगा ये इसका सिनोनिम होगा कॉन्सियसनेस का। कैलिबर, देखिए हम बोलते हैं जैसे कि उस व्यक्ति में काफी हाई कैलिबर है या उस व्यक्ति में कैलिबर नहीं है। तो कैलिबर एक्चुअली इंडिकेट करता है किसी व्यक्ति की कैपेबिलिटीज को, उसकी क्षमताओं को, कैलिबर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या हैं। करियर है, कैपेसिटी है, कामनेस है एंड क्राउड है। क्राउड का मतलब होता है भीड़। करियर, जैसे किसी भी फील्ड में आप करियर बनाते हैं। कैपेसिटी मतलब आपकी क्षमता क्या है, और कामनेस मतलब शांति। तो कैलिबर का सही सिनोनिम यहां पर होगा कैपेसिटी, क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं परसुएड। परसुएड मतलब किसी को फुसलाना या किसी को कन्विंस करना, परसुएड। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा कोक्स, COAX। कोक्स भी इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और एक वर्ड और है कजोल। कजोल भी इसके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिटर का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति या वस्तु को रोकना, डिस्करेज करना, डिटर। हिंडर का मतलब भी रोकना या डिस्करेज करना होता है। इनके जो नाउन फॉर्म होते हैं, डिटर तो एक्चुअली वर्ब है, इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा डिटरेंस, और हिंडर का जो होगा वो होगा हिंडरेंस। इसको हम इम्पेडिमेंट भी बोल सकते हैं, इम्पेडिमेंट। और रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना किसी व्यक्ति को। तो परसुएड का मतलब किसी व्यक्ति को कन्विंस करना, इसको इसका जो नाउन फॉर्म है वो है परसुएशन। परसुएशन मतलब किसी व्यक्ति को कन्विंस करने की जो क्षमता है उसको हम बोलते हैं परसुएशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वॉन्डर। वॉन्डर का मतलब इधर उधर घूमना, वॉन्डरिंग। और इसका इसका जो सही सिनोनिम होगा वो होगा रोम। जैसे रोमिंग आपने सुना होगा मोबाइल फोन्स में, जो रोमिंग होता है, रोम का मतलब होता है रोम अराउंड, इधर उधर घूमना। तो रोम यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। रेस मतलब दौड़ना, रेसल मतलब कुश्ती करना, रेसलिंग आपने सुना होगा, रेसलिंग। और गैलप एक्चुअली बोलते हैं हम, जैसे जो घोड़े की आवाज होती है, घोड़ा जब तेज दौड़ता है बहुत, तो उसको हम बोलते हैं गैलप। गैलप को यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। डैश इसका सिनोनिम हो सकता है, हर्टल इसका सिनोनिम हो सकता है, और गैलप का मतलब है फास्टेस्ट पेस ऑफ ए हॉर्स, फास्टेस्ट पेस ऑफ ए हॉर्स, ठीक है, वॉन्डर। देखिए यहां से एंटोनिम्स शुरू हो गए हैं, और अपोजिट आपको वर्ड बताना है वर्च्यू। इसको हम वर्च्यू पढ़ते हैं, वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण। किसी व्यक्ति के जो अच्छे गुण होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्च्यू।
और अवगुण इसका एंटोनिम होगा, और अवगुण की जो इंग्लिश है वो है वाइस, ठीक है। वर्चू एंड वाइस, ये यहां पर इसका वाइस इसका सही आंसर होगा। फूल मतलब मूर्ख व्यक्ति, अनट्रू मतलब जो सही नहीं है, डिफीट मतलब हरा देना या हार। नेक्स्ट हम देखते हैं इवेसिव। इवेसिव का क्या मतलब है? इवेसिव का मतलब किसी चीज को इवेड करना, किसी चीज को अवॉइड करना या एस्केप करना, उसको हम बोलते हैं इवेसिव। इवेसिव मतलब इनडायरेक्ट तरीके से घुमा फिरा के कहा गया या करा गया कोई कोई भी चीज, उसको हम बोलते हैं इवेसिव। तो इवेसिव एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए मैंने यहां पर इसके सिनोनिम्स दे दिए हैं। इलूसिव हो सकता है इसका, इनडायरेक्ट हो सकता है, प्रीवेरिकेटिंग हो सकता है, एम्बिगुअस, इक्विवोकल, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो पर इवेसिव का मतलब होता है डायरेक्टेड टुवर्ड अवॉइडेंस और एस्केप। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है? देखिए इसके ऑप्शंस पहले हम देखते हैं। एक्सप्लिसिट, यस, इसमें दिया है। तो इवेसिव मतलब इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट कहा गया या करा गया या घुमा फिरा के किसी काम को करना, ठीक है, इवेसिव। जबकि एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्टेटेड क्लियरली एंड इन डिटेल। तो यहां पर इवेसिव का जो एंटोनिम होगा वो होगा एक्सप्लिसिट, ठीक है। ये एंटोनिम है, एक्सप्लिसिट इवेसिव का एंटोनिम है। सिनोनिम होंगे इसके इलूसिव, इनडायरेक्ट, प्रीवेरिकेटिंग, एम्बिगुअस एंड इक्विवोकल। तो जब आप बार बार याद करेंगे इन वर्ड्स को तो आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो इवेसिव का जो एंटोनिम होगा वो होगा एक्सप्लिसिट। और यहाँ पर मैंने एक्सप्लिसिट का मीनिंग भी दिया है, इम्प्लिसिट का मीनिंग भी दिया है। इम्प्लिसिट का मतलब है कि जिसको क्लियरली कहा नहीं गया है, इनडायरेक्टली कहा गया है या सजेस्ट किया गया है। तो जो इम्प्लिसिट है मतलब उसका वो इम्प्लाइड है, वो सजेस्टेड है, उसको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कहा किया गया है। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियरली उसको कहा गया है। कैटेगोरिकल का मतलब होता है जो अनकंडीशनल है, जो एकदम स्टेट है, जो एक्सप्लिसिट और डायरेक्ट है, ठीक है। कैटेगोरिकल काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। रिलेंटलेस, देखिए रिलेंट का मतलब होता है हार मान लेना या दब जाना, ठीक है, या पीछे हट जाना, उसको हम बोलते हैं रिलेंट। इसको वर्ब की तरह भी हम यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं रिलेंटेड, ही रिलेंटेड, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। रिलेंटलेस मतलब जो पीछे हटने को तैयार नहीं है, जो दबने को तैयार नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिलेंटलेस। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम इसका होगा ईल्डिंग, क्योंकि ईल्डिंग का मतलब होता है सरेंडर कर देना। रिलेंटलेस मतलब अड़े रहना, सरेंडर नहीं करना। ईल्डिंग मतलब सरेंडर कर देना। तो ईल्डिंग जो होगा वो क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा किसका? रिलेंटलेस का। यहां पर आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं रिलेंटलेस का। परसिस्टेंट इसका सिनोनिम होगा। समथिंग बैड दैट इज रिलेंटलेस नेवर स्टॉप्स और नेवर बिकम्स लेस इंटेंस, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग्स हैं। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, हॉस्टाइल बिहेवियर, दुश्मनी, ठीक है। तो चूंकि यहां पर एंटोनिम पूछा जा रहा है तो एंटोनिम क्या होगा इसका? एंटोनिम होगा फ्रेंडशिप। एनमिटी इसका सिनोनिम होगा, एनमिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं असेंट। देखिए असेंट में दो होते हैं और ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। असेंट, ASENT, इसका मतलब होता है अग्री करना किसी व्यक्ति से, सहमत कर, सहमति होना। और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है डिसेंट, असहमति, डिसेंट, DISENT। ASCENT असेंट जो होता है ये ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है, क्लाइम के लिए, ASCENT। असेंट एक वेंसडे को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़पेपर भी आता है, उसका एक सेक्शन होता है असेंट, उसको बोलते हैं। ASCENT असेंट होता है क्लाइंब, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा डिसेंट, ठीक है। तो इन चारों वर्ड्स को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये चारों वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर असेंट का एंटोनिम आपसे पूछा गया है, तो असेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा यहाँ पर डिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चन हैं। टेकन अबैक, एक सेंटेंस दिया है और एक सेंटेंस में ये जो है ये यहां पर फ्रेजल वर्ब दिया है इसमें, टेकन अबैक, क्या मतलब है इसका? टेकन अबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, टेकन अबैक, सरप्राइज हो जाना। तो यहां पर इसका सिनोनिम होगा सरप्राइज। टेकन अबैक का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, और एक और होता है टेकन इन, टेक
टेकन इन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को डिसीव कर देना, चकमा दे देना, ठीक है, टेकन इन। और पुलिस कस्टडी में जब किसी व्यक्ति को ले लेती है तो उस सेंस में भी हम टेकन इन का इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज टेकन इन फॉर क्वेश्चनिंग। पुलिस जब अपनी कस्टडी में किसी व्यक्ति को ले लेती है क्वेश्चन करने के लिए तो उसको भी हम टेकन इन बोलते हैं, ठीक है। तो सरप्राइज्ड इसका सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट, द लॉयर इंसिस्टेड ऑन हैविंग द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब लॉयर ने इंसिस्ट किया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब राइटिंग में होना चाहिए, ओरली नहीं होना चाहिए, पेपर के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी भी आप जैसे अखबार पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो लेटर्स लिखे रहते हैं, जो अक्षर लिखे रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं। तो व्हाइट का सेंस ये निकलता है कि वो चीज़, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ राइटिंग में है, ओरली नहीं है। तो राइटिंग इन राइटिंग इसका सही आंसर होगा। ओरली मतलब बोल के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स के आपको मतलब और बता रहा हूँ, फिगरेटिवली और लिटरली क्या मतलब होता है। देखिए कोई भी बात आप बोलते हैं तो एक तो उसका उसका मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, उसके शब्दों का क्या अर्थ है, और एक उसका छुपा हुआ अर्थ क्या है, वो होता है फिगरेटिव मीनिंग। तो फिगरेटिव और लिटरल ये एंटोनिम्स हैं, फिगरेटिव और लिटरल ये एंटोनिम है। लिटरल होता है शाब्दिक, फिगरेटिव होता है कल्पनात्मक, या इसको हम मेटाफोरिकल भी बोल सकते हैं, सिंबॉलिक भी बोल सकते हैं, एलिगोरिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ऑब्लीकली का मतलब होता है डायगोनिकली, एक छोर से दूसरे छोर तक, जैसे जैसे एंगल हम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आर पेरेंट्स अलाउड अस टू वॉच फिल्म्स वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ईद का चांद, तो इसका मतलब निकलता है कभी कभार, ठीक है, कभी कभी होना या कभी कभार होना। तो यहां पर इसका आंसर होगा रेयरली, वंस इन ए ब्लू मून का आंसर होगा रेयरली। नेक्स्ट हम देखते हैं होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग का मतलब होता है शांत रहिए, बी साइलेंट, ठीक है। तो बी इसमें आपका सही आंसर यहां पर होगा। इसमें एक वर्ड दिया है गार्गल, गार्गल का मतलब होता है जैसे हम पानी से कुल्ला करते हैं उसको हम बोलते हैं गार्गल करना, ठीक है। इफ यू रीड हिज लेटर बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स का मतलब ये है कि एक तो लाइन का जो मीनिंग है वो है, तो वो तो शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन रीड बिटवीन लाइन का मतलब होता है कि उसका छुपा हुआ मीनिंग क्या है, ठीक है, उसका शब्दार्थ क्या है या भावार्थ उसका क्या है। तो इसका सही आंसर होगा रीड इन सीक्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सारे वीडियो क्लासेस में 15-15 क्वेश्चंस ले रहा हूँ, क्योंकि इससे वीडियो थोड़ा छोटा भी रहता है और बार बार आप देख भी सकते हैं, आपका मन भी लगेगा। जब मैं ज़्यादा लंबे वीडियो क्लासेस बनाता हूँ तो उसको आप बीच में स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। 15-15 क्वेश्चंस करके मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और 2017 और 18 के वीडियो क्लासेस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा इस कोर्स में। और दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे CPO है, MTS है, CHSL है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा इस कोर्स में। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।